भारतीय जनता पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत हल्का बहादुरगढ़ से युद्धवीर चेयरमैन अपने काफिले के साथ निकले हैं। शुरुआत की गई है रेलवे रोड से। जी आप देख सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे झंडे हैं और हजारों की संख्या में जो युवा है हल्का बहादुरगढ़ के जो कार्यकर्ता है जो बहादुरगढ़ के वोटर है वो इनके साथ तमाम नजर आ रहे हैं युद्धवीर चेयरमैन के साथ। आइए बात करते हैं चेयरमैन साहब, महाजनसंपर्क अभियान की आपने शुरुआत की है, क्या एजेंडा है? हमारा एक ही उद्देश्य है महाजन संपर्कता की डोर टू डोर हर व्यापारी हर दुकानदार हर किसान के दरवाजे पे जाके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अवगत कराना है। और जो उनका हमारा 5 साल का रिकॉर्ड है जो कार्यकाल में हमने जो किया है रिपोर्ट कार्ड वो जनता के सामने हमने पेश करना है। ये महाजन संपर्कता हमारा मुख्य उद्देश्य है। युद्धवीर चेयरमैन जी, जिस तरह से बात चल रही है बहादुरगढ़ हल्के में बदलाव को लेकर के, एक बदलाव तो जो आप मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, आप टिकट मांग रहे हैं, दूसरा जो बहादुरगढ़ हल्के की जनता मांग रही है बहादुरगढ़ में बदलाव, आप क्या समझते हैं यदि भारतीय जनता पार्टी आपको आशीर्वाद देती है क्या रहेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी हमारे पर विश्वास जताते हैं तो मेरी जनता जो मुझे एक पूरा एक आभास हो रहा है और मैं पूरी जनता बहादुरगढ़ की जनता की साइड से आश्वासन दे रहा हूँ कि पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ जीतों से बहादुरगढ़ की विधानसभा जो सीट भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मनोहर लाल जी की जोड़ी में डालने का काम करें। युद्धवीर जी, जिस तरह से महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है, क्या रूट रहेगा, किस तरह से यह यात्रा समाप्त होगी? अभी जी अभी ये यात्रा यहाँ से लाल चौक होते हुए पूरा किला रोड और सब्जी मंडी चुंगी फिर झज्जर चुंगी और से सेक्टर 6 जो मेन चुंगी है वहाँ जाके ख़त्म होगी। तकरीबन ये 2 किलोमीटर का ये हमारा सफ़र है और आप देख रहे हैं जिस तरह पीछे हमारी 80-80 साल की माताएं और 80-80 साल के हमारे बुजुर्ग हैं जो ये कह रहे हैं बेटा ये 2 घंटे का सफ़र नहीं, अगर 24 घंटे का सफ़र भी हमें पार करना पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सफ़र हम पार करेंगे। युद्धवीर जी, जिस तरह से अखबारों में मीडिया में खबरें आ रही हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े दिग्गजों की टिकट कट सकती है, बड़े बड़े दिग्गज जो काम नहीं कर पा रहे हैं जिनका विरोध है उनको भाजपा बदल सकती है चेहरा, तो युद्धवीर चेयरमैन का नंबर उसमें कितना है? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मनोहर लाल जी ने डिसाइड करना है और साथ में हमारी जो जनता है उनको डिसाइड करना है। हाँ, अगर किया भारतीय जनता पार्टी के किसी सिपाही में किसी विधायक में कोई कमी है उस पर भ्रष्टाचार का आरोप है तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का नारा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर वो इन नारों से जो भी हटके चला है उन सब की टिकटें कटेंगे। क्या लगता है आपको, युद्धवीर चेयरमैन को भाजपा की टिकट मिलती है तो क्या रहेगा और यदि टिकट नहीं मिलती है तो क्या रहेगा? अगर भाई साहब को टिकट मिलती है तो बहुत भारी जीत होगी, ज्यादा से ज्यादा वोटों से होगी। आपको क्या लगता है? अगर भाई साहब को टिकट मिलती है कम से कम 25,000 से 30,000 के एक बीच में जीत होनी निश्चित। क्या कहना चाहेंगे? बहुत भारी मतों से विजय होगी। जी जी जी, आपको क्या लगता है भाई साहब? भारी मतों से जीत होगी। टिकट को लेकर के कितने आश्वस्त है? अगर जी हमारा तो विश्वास पूरा है जी, भाई युद्धवीर को टिकट मिलेगी। जी जी, आप क्या कहेंगे? 200% टिकट मिलने का हमारे को आश्वासन है और भाई विकास के मामले में भी बहुत अच्छा करके दिखाएगा अगर भाई साहब को पार्टी विश्वास दिलाती है। रमेश जी, आपने भी पाला बदला है, 4 साल आप बड़े विधायक के साथ घूमे हैं और आज आप युद्धवीर चेयरमैन के साथ नजर आ रहे हैं, टिकट के प्रति कितने आश्वस्त हैं? देखो जी, हम तो पूरा विश्वास करके चल रहे हैं कि युद्धवीर को टिकट मिलेगा और बाय द वे युद्धवीर को टिकट काट दिया पार्टी ने तो पार्टी बहुत बड़ा खामियां भुगतेगी बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से और हम युद्धवीर के साथ हैं और अगर चाहेंगे वही विधायक को टिकट देकर दोबारा इस पार्टी ने उतारा तो ये देखना एक बहादुरगढ़ में एक बहुत बुरा अंजाम भुगतेगी पार्टी। अच्छा, क्या 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 परिणाम होंगे यदि ऐसा ही रहा, ऐसी रही तो परिणाम क्या होंगे? तो उसमें इधर से अगर कांग्रेस जीतेगी। आपको क्या लगता है? मेरे को ये लग रहा है जिस तरह युद्धवीर चेयरमैन ने 36 बिरादरी को साथ लेकर इतना बड़ा हजूम तैयार किया है ये रिकॉर्ड साबित होगा पूरे हरियाणा में। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी अगर इस पर विश्वास जताते हैं तो ये भारी बहुमत से विजय है। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दौड़ में आगे नजर आ रहे हैं युद्धवीर चेयरमैन को टिकट मिलेगी? भाई साहब, अगर युद्धवीर चेयरमैन को बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगी तो कांग्रेस जिसमें टिकट मिलेगी वो भारी बहुमत से जीतेगा। सही कहा भाई, दो या बात क्या क्या कहा इन्होंने भाई? ये जो टिकट मिलेगी ठीक है, नहीं तो हम
कांग्रेस को वोट जाएंगे। भाई साहब देखो, जो अभी हमारे एमएलए हैं उनसे काफ़ी लोग जो है नाराज हैं, कुछ समुदाय के लोग जो है नाराज है, फिर उनके ऊपर काफ़ी आरोप भी है कि उन्होंने जो अपने जो नज़दीकी है उनको काफ़ी फायदा उठाया है, तो जिसके चलते है ना उनसे अपना हमारे बहादुरगढ़ विधानसभा की जनता के अंदर बहुत ज़्यादा नाराजगी है। और अगर युद्धवीर चेयरमैन को टिकट मिलती है और यदि नहीं मिलती तो क्या करोगे? देखिए, अगर युद्धवीर को चेयरमैन को टिकट मिलती है तो जरूर हमारी वोट जो है बीजेपी को जाएगी, वरना हम अबकी बार अपना वोट खराब करना नहीं चाहेंगे, हम कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि हम पहले भी कांग्रेस के समर्थन में थे। पिछली बार उम्मीदें थी कि बीजेपी काम करेगी, लेकिन राज्य के लेवल पे बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, पर हमारे जो क्षेत्र है उसका वो विकास नहीं हो पाया जो हमें अपेक्षित था, तो अब की बार हमें उम्मीद है कि वो विकास हमें युद्धवीर से मिल सकता है, वो मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारी वोट कांग्रेस। युद्धवीर चेयरमैन को टिकट नहीं मिलती है तो आप हुड्डा को वोट दोगे? बिल्कुल देंगे जी, पहले भी देते आए हैं। आप क्या करोगे? बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या कारण है? क्या कारण? काम अच्छे कर रहे हैं जी। अच्छे काम किए हैं। आपको क्या लगता है भाई साहब, टिकट मिलेगी युद्धवीर को? भाई जी नहीं मिल जाएगी, वो कि मैंने मैं तो करेगा सब ने देखने की क्या रहा। जी 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 सर, आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के हालात हैं उससे आप कितने सहमत हैं? सर मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और टिकट चाहे किसी को भी मिले, हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। जी जी भारतीय जनता पार्टी की।